हेलो स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक न्यू चैप्टर है बेटा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर, ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन इसी यूनिट में था लेकिन इवोल्यूशन को इस टाइम सीबीएसई ने कट कर दिया, सिलेबस से हटा दिया है। 30% सिलेबस जो कट हुआ था उसमें ये इवोल्यूशन चैप्टर नहीं इंक्लूड है। तो हमें दो चैप्टर इस यूनिट से पढ़ने हैं, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो ये चैप्टर वहाँ से रिलेट है। वहाँ पे आपकी बेसिक चीज़ें थी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अच्छे से फोकस करिएगा बोर्ड पे, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट लेक्चर में। जो इसका कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन क्या है। क्लियर, सेकेंड लेक्चर में आपको सारी डेफिनेशन, सारी हेडिंग्स जो भी होंगी स्टेप बाय स्टेप, वो सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। बट अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर का नाम है बेटा। इस चैप्टर में हमें सबसे पहली हेडिंग पढ़नी है हमको, वो है हेरिडिटी एंड और इनहेरिटेंस। तो अगर हम बात करें हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इनहेरिटेंस और हेरिडिटी क्या होता है। आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा था, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए इसको। दोज कैरेक्टर विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो जेनेटिकल कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सेम टू सेम ट्रांसफर होता है विदाउट एनी चेंजेस के साथ, जो पेरेंट्स में 100% ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, उस कैरेक्टर को बोलते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर एंड द प्रोसेस कॉल्ड हेरिडिटी। अदरवाइज उस कैरेक्टर को आप बोल सकते हो इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड द प्रोसेस कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्लियर, मैं यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं, दोज कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड आर कॉल्ड इनहेरिटेड और हेरिडेटरी कैरेक्टर। एंड द प्रोसेस कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो बेटा जो कैरेक्टर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो पेरेंट्स में था एज यूजुअल ट्रांसफर हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग में, उस कैरेक्टर को इनहेरिटेड, तो प्रोसेस को इनहेरिटेड इनहेरिटेंस कहेंगे। अगर आप कैरेक्टर को हेरिडेटरी कैरेक्टर बोलते हो तो प्रोसेस को क्या कहोगे आप, हेरिडिटी। कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक, आप चाहे इनहेरिटेंस बोलिए या फिर हेरिडिटी बोलिए। क्लियर, तो ये हो गई बात हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी वेरिएशन किसे कहते हैं। क्लियर, तो वेरिएशन इसको आप पॉज करके नोट करिएगा। वेरिएशन की अगर हम बात करें, वेरिएशन दोज कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग विथ मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड
acquired character are called acquired character and the process called variation. And the process called variation. तो बेटा यहां पे भी आप एक चीज फोकस करिएगा, लिखा हुआ विथ मॉडिफिकेशन चेंजेस आज है, मतलब ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन जो कैरेक्टर पेरेंट्स में था उसमें चेंजेस आया और बच्चे में एक नया कैरेक्टर दिखेगा ऑफ स्प्रिंग में, तो उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर और प्रोसेस को बोलते हैं वेरिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आपको मिलेगा वेरिएशन टू टाइप्स का होता है। अब वेरिएशन में दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन कौन सी होती है जरा वो भी इसी समय हम क्लियर कर लेते हैं बेटा। इसमें एक होती है आपकी सोमैटिक, सोमैटिक सेल में होगा और एक होगा बेटा जर्मिनल सेल में, सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल। ध्यान रखिएगा वेरिएशन अगर सोमैटिक सेल में होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, केवल उसी ऑफ स्प्रिंग तक ही सीमित रह जाएगा, क्लियर। और अगर जर्मिनल सेल में वेरिएशन हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। यहाँ पे पॉइंट बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, अगर आप कोई चीज डेली लाइफ में सीखते हो, लर्निंग, अगर आप कोई चीज लर्निंग कंडीशन में हो, आप अगर कोई चीज सीखते हो तो आपके सोमैटिक सेल में चेंज आता है, लेकिन आपकी पूरी स्पीसीज अगर स्ट्रगल करती है, स्ट्रगल होल स्पीसीज, तो आने वाले समय में जो चेंज आएगा वो किस में आ सकता है, जर्मिनल सेल में, क्लियर। तो यहां पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात कहूं कि आप मान लीजिए कोई बच्चा है वो स्कूल में मान लीजिए जैसे स्विमिंग पूल है, अब वो स्विमिंग पूल में क्या करता है, वो थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में था, उसे ऑफर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि आप स्विमिंग सीख सकते हैं, तो उसने क्या किया, अपना नाम इनरोल कराया और स्विमिंग के लिए प्रिपेयर हुआ, पेरेंट्स से परमिशन लिया और स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। अब वो स्विमिंग सीख रहा है, अगर वो सीख ले गया पूरी तरह से, उसका 100% कॉन्सेंट्रेशन वहां पे था, उसने सीख लिया, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास वो कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं थी कि वो स्विमिंग के बारे में सोचे या उसको सीखे, लेकिन बच्चे के स्कूल में वो फैसिलिटी थी, दैट्स वाई बच्चे ने उसको सोचा और उसमें इंटरेस्ट था उसका, उसने ऑब्जर्व किया। लेकिन बच्चा अकेले स्ट्रगल कर रहा था ना कि पूरी ह्यूमन बींग्स स्ट्रगल कर रही थी, तो वो जो कैरेक्टर, वो जो चेंज आएगा, उसने स्विमिंग सीख लिया, वो किस में आएगा, सोमैटिक सेल में, और वो उसी तक रह जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन को ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल था कि सचिन तेंदुलकर का लड़का भी सचिन तेंदुलकर जैसा ही परफॉर्म करे, ये इम्पॉसिबल, क्योंकि सचिन ने खुद स्ट्रगल करके वो चीज़ सीखी है। तो एक अच्छे क्रिकेटर, उन्हें क्रिकेटर का गॉड कहा जाता है, तो वो चीज़ उनके बच्चे से अगर अपेक्षा करें तो ये गलत है। लेकिन अगर हम जर्मिनल सेल की बात करें तो जर्मिनल सेल में क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के लिए पूरी होल स्पीसीज किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्ट्रगल करती है, तो मे भी हो सकता आने वाले समय में चेंजेस आए जर्मिनल सेल में, तो वो जो वेरिएशन आएगा फिर आने वाली स्पीसीज को उस चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना होगा, क्लियर। आपको इसका मैं एग्जांपल आगे चल के दूंगा। आपने पढ़ा जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, तो इसका मतलब सारे जिराफ ने स्ट्रगल किया था, आज के समय में सारे जिराफ लंबी गर्दन वाले, कोई भी जिराफ छोटा नहीं है, तो वहां वेरिएशन आया, आज सारे जिराफ एक जैसे हैं, तो ये चीज वही अप्लाई होती है, ये इंडिविजुअल में अप्लाई होती है और ये आपका किसमें अप्लाई होता है, स्पीसीज में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर का मेन जो नाम होता है वो होता है जेनेटिक्स, बट ठीक है नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन जो आपकी यूनिट बनती है वो बनती है जेनेटिक्स, क्लियर। तो अगर आप इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, फुल्ली स्टडी करते हैं, तब उसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स, क्लियर। फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, फादर ऑफ
जेनेटिक्स, तो ये हो जाएंगे ग्रेगर जोहान मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्यों कहा जाता है उसका भी रीजन आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे. तो ये चीज ध्यान रखना, स्टडी इनहेरिटेंस और वेरिएशन की उसे जेनेटिक्स बोलते हैं. फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल. चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा क्यों गया, क्या थी इनकी कहानी, हिस्ट्री क्या थी, वो सारी चीजें स्टडी करते हैं. तो यहां तक आप पॉज करके जो भी नोट करना है आप नोट कर लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडल की हिस्ट्री, अब पढ़ते हैं उसमें कि कैसे क्या इनके बारे में बताया गया था. ठीक, हेडिंग है आपकी ग्रेगर जॉन मेंडल, आप पूरा नाम लिखिएगा बेटा मेंडल. ठीक, ओके बेटा. मेंडल के बारे में अगर हम हिस्ट्री इनकी पढ़ें तो आपको पता है ये ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, वहां के रहने वाले थे. सिटी का नाम ब्रून था, गांव का नाम इनके सिलीसिया. ठीक, ये विलेज हो गया, ये सिटी हो गई, ये कंट्री हो गई. तो यहां के रहने वाले थे. पेशे से ये एक मॉन्क थे, पादरी, फादर, जो चर्च में रहते. ठीक, चर्च में रहने वाले फादर यानी मॉन्क थे ये. हम लोग जैसे हिंदू में पुजारी होता है उसी तरह इनमें मॉन्क पादरी होता है. ठीक, अब एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, इनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ था. लेकिन इनको बायोलॉजी में कहाँ से इंटरेस्ट आया कि ये इन्होंने इतनी सारी चीज, इतनी बड़ी चीज़ें खोजी, इन्होंने लोगों के सामने रखा. कैसे क्या हुआ, इनके आसपास एरिया में पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता बेटा पाइसम सटाइवम, इस प्लांट की खेती होती थी. और भी प्लांट्स की खेती होती थी लेकिन इसकी जब खेती उन्होंने देखा, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ मटर ऐसी होती जिसमें नंबर ऑफ सीड्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और कुछ मटर ऐसी होती है जिसमें नंबर ऑफ सीड्स क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा होते हैं, और मार्केट में डिमांड इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है. ठीक, इसे हम छीनी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. तो इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है. इनके माइंड में ये आया कि कुछ ऐसा किया जाए, 100% ना सही बट मैक्सिमम टाइम जो खेती हो इस मटर की हो, ताकि किसान फार्मर को भी प्रॉफिट हो, इस वाले की कम से कम, कुछ ऐसा किया जाए मैक्सिमम चांसेस जो फार्मर क्रॉपिंग करता है उस क्रॉपिंग में, अगर मटर की क्रॉपिंग करता है तो इसकी पैदावार ज़्यादा हो, इसकी पैदावार कम हो. क्लियर, इनका ये माइंड में कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये चलना शुरू हो गया. अब इन्होंने क्या किया, मटर प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया. अच्छा, क्या कहानी इनकी क्या बनी जरा वो देखिएगा. मेंडल ने क्या किया, अबाउट 7 ईयर, अबाउट 7 ईयर 1856 टू 1863 एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है बेटा पाइसम सटाइवम. अच्छा, इस पे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या किया, 46 पेज की रिपोर्ट फाइल बनाई. 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था, 56 से लेकर 63 तक. ही मेक 46 पेज रिपोर्ट फाइल एंड इट वॉज सेंड टू डिफरेंट कंट्री ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, डिफरेंट कंट्री ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. इन्होंने अपना जो भी कंक्लूजन निकाला था उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो सारी चीजें उस फाइल में लिखी और डिफरेंट कंट्री ऑफ यूरोप एंड अमेरिका को इन्होंने क्या किया, सेंड कर दिया. अच्छा, सेंड करने के बाद नोबडी गिव एनी रिस्पॉन्स,
Nobody gave any response. मतलब किसी ने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं. इसका मतलब मेंडल क्या हो गए, टोटली गलत हो गए. अब प्रॉब्लम ये थी कि मेंडल समझा नहीं पा रहे थे या लोग समझ नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी. ठीक, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ने हार नहीं मानी. ठीक ना, इन्होंने जो सेंड किया था 1863 एक्सपेरिमेंट किया, 1865 में इन्होंने सेंड किया था. क्लियर, 1866 से जब इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो 1866 से इन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा. फ्रॉम 1866 कंटिन्यू देयर एक्सपेरिमेंट and finally in 1884 he was died due to kidney disease jiska naam tha beta glomerulonephritis. क्लियर, तो मेंडल की क्या हुई 1884 में क्या हो गई, डेथ हो गई, क्योंकि इनकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही थी. अब तो इनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से हिडन, क्योंकि मेंडल के बारे में जो इन्होंने दिया था फाइल उस पर तो कोई आंसर मिला नहीं. जब कोई आंसर मिला नहीं तो फाइनली ये हुआ कि मेंडल गलत है, और जब गलत है तो मेंडल तो फाइनली एक्सपेरिमेंट तो अपना कंटिन्यू रखा. हो सकता आगे चल के और भी चीज़ें खोज ही रही होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, इनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी. अब 1884 में इनकी डेथ हो गई, इन 1884 में इनकी डेथ हुई किडनी डिजीज की वजह से. नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सी बीमारी हुई थी मेंडल को, मेंडल किस कौन से ईयर में इनकी डेथ हुई थी, या फिर मेंडल ने कितने साल एक्सपेरिमेंट किया था, 7 ईयर 1856 टू 1863. क्लियर, अच्छा आगे की कहानी क्या हुई, इसको आप पॉज करके बेटा नोट करिएगा. आगे की कहानी क्या हुई, After 16 year, sorry, after 16 year, in 1900, 1884 में 16 plus करेंगे 1900, three scientists comes from three different country of comes from three different country. नाम क्या था, मिस्टर कॉरेंस ह्यूगो डी ब्रीज शेरमार्क, टी साइलेंट है बेटा इसमें. ये जर्मनी के थे, ये हॉलैंड के थे, और ये ऑस्ट्रिया के ही थे जहां के मेंडल थे. क्लियर, तो ये तीन साइंटिस्ट आए 1900 में, तीनों अलग अलग कंट्री के थे और तीनों अलग अलग प्लांट पे बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इनके पास कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं था. अगर मैं कॉरेंस की बात करूं तो कॉरेंस मेज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये कर रहे थे इवनिंग प्रिमरोज पे, और ये कर रहे थे डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे. लेकिन इन तीनों के पास कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं था. ठीक, अब आगे की कहानी क्या हुई, जब इन तीनों ने तीनों के पास कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं था तो इन तीनों को कहीं से ये पता चला कि हमसे पहले भी कोई साइंटिस्ट थे, मेंडल नाम था उनका, उन्होंने भी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था. इन तीनों ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, मेंडल से एक बार कांटेक्ट करते हैं. जब ये मेंडल के वहाँ पहुँचे तो मेंडल तो ऑलरेडी मर चुके थे 1884 में. इनको मेंडल की वो फाइल मिली जो रिजेक्ट कर दी गई थी, लौटा दी गई थी. जब इन तीनों ने उस फाइल को पढ़ा, खासकर कॉरेंस ने ज़्यादा फोकस किया, तब इनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ आज हम लोग 37 ईयर आफ्टर यानी बाद में खोज रहे हैं, 1863 37 ईयर बाद खोज रहे हैं, मेंडल ने 37 ईयर पहले ही उसको डिस्कवर कर दिया था. प्रॉब्लम कहाँ थी, मेंडल के समझाने में या लोगों के समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी. इन तीनों ने डिसाइड किया कि
उनकी फाइल को दोबारा रीओपन करके फिर से साइंस कमेटी के सामने रखेंगे, फिर देखते हैं उसमें रिस्पांस क्या मिलता है। तो तीनों ने क्या किया, उनकी फाइल में जो भी करेक्शन करना था वो सारी चीज़ें करके करेक्ट किया, फिर उस फाइल को दोबारा से साइंस कमेटी के सामने रखा, अलग अलग कंट्री को सेंड किया। तब ये माना गया कि जो बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें सही हैं, और इनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो हम 37 ईयर बाद खोज रहे हैं वो पहले ही मेंडल ने खोज दिया था, सारे फॉर्मूलेशन सारी चीज़ें सही हैं, मेंडल ने बहुत इजीली उसको बताया था बहुत इजी तरीके से। तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि इस डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट किसको जाएगा, मेंडल को। तो मेंडल को एक नाम मिला, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल साइंटिस्ट नहीं प्रूफ हुए थे, तो इन तीनों ने डिसाइड कर लिया कि मेंडल को, इस पूरा क्रेडिट मेंडल को जाएगा। तो आप यहाँ पे दो तीन लाइन ऐड कर सकते हो, दीस थ्री साइंटिस्ट रियलाइज दैट ऑल द फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस ऑलरेडी सिमिलर विच इज डिस्कवर्ड 37 ईयर एगो बाय मेंडल, दैट्स व्हाई दीस साइंटिस्ट डिसाइडेड द होल क्रेडिट ऑफ दैट डिस्कवरी गोज टू मेंडल, दैट्स व्हाई मेंडल नॉमिनेटेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये थी कहानी कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा कैसे गया, मेंडल को साइंटिस्ट प्रूफ नहीं किया गया बेटा, ठीक। तो ये तो कहानी थी। अब आपसे देखिए, नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पहले तो मेंडल वाला था कि किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिफिक नेम क्या था, ये चीज़ें। फिर कौन से तीन साइंटिस्ट थे, मिस्टर कॉरेंस थे, ह्यूगो डी ब्रीज थे, सेरमार्क थे, क्लियर। मिस्टर कॉरेंस कहाँ से थे, जर्मनी से। किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, मेज पे। ह्यूगो डी ब्रीज कहाँ से थे, हॉलैंड से। किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, इवनिंग प्रिमरोज, दिस इज कॉमन नेम, नॉट अ साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम होता है ऑनियोथेरा लैमार्कियाना, क्लियर। इसका साइंटिफिक नेम पूछा था नीट में। सेरमार्क ऑस्ट्रिया से थे, ये डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आप बेटा रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, कहाँ प्रॉब्लम हुई, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, ठीक। तो ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। इसके बाद क्वेश्चन ये आया कि मेंडल ने मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की। तो मेंडल ने मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने ऑब्जर्व किया था। 7 पेयर में 7 डोमिनेंट थे और 7 रिसेसिव। मैंने 7 पेयर बोला है, 14 कैरेक्टर, तो 7 डोमिनेंट होंगे, 7 रिसेसिव होंगे, क्लियर। ये हो गया पॉड कलर, पॉड से फ्लावर कलर, स्टेम हाइट, ऐसे करके 7 पेयर कैरेक्टर ऑब्जर्व किए थे। क्वेश्चन हुआ व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया, तो उसका भी रीज़न है। उस टाइम पे मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना आसान इसलिए था क्योंकि मटर की जो क्रॉपिंग होती है वो विद इन 3 मंथ होती है, 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। थर्ड पॉइंट, स्मॉल किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, छोटे से एरिया में जितना बड़ा किचन होता है मिनिमम एरिया उतने में हम मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मटर में जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं, तो आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, हमें क्रॉस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं प्रोवाइड करनी होगी, क्लियर। इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉयड होता है, मटर में 14 क्रोमोसोम होते हैं, 2n = 7 पेयर, क्लियर। तो अभी मैं इसको केवल ओरली बोल रहा हूँ, आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं राइट भी करूँगा। अभी के लिए मेरा मेन मोटो था कि आप इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा क्यों गया, क्लियर। मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए थे मटर के प्लांट पे। मटर क्यों सेलेक्ट किया था, मैंने अभी आपको ओरली बताया कि इतने पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, ठीक बेटा। अब इसके आगे हमें डिस्कस करना होता है मेंडल्स के लॉ के बारे में। मेंडल्स के 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट में एक्सेप्शन मिलेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक। तो अभी के लिए आप पहले इतना पॉज करके इसको नोट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे आगे के स्टेप्स के बारे में, और वो काफ़ी लंबा लेक्चर होगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक। अगर कोई डाउट होता है बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू बेटा।